देवगढ़ जिले के रामूडीह पंचायत मुख्यालय ग्राम के राशन कार्ड धारी ने पीडीएस दुकानदार गणेश दास के खिलाफ विरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि गणेश दास पिछले 4 माह से राशन गबन के मामले में निलंबित हैं और साथ ही आरोप लगाया कि निलंबित दुकानदार गणेश दास सभी कार्डधारी का 3 माह का राशन गबन कर लिए है जो आज तक नहीं मिला और विभाग द्वारा बिना कार्यवाही जाँच किए विभाग द्वारा पुनः इसकी बहाली कर रहा है, जिससे कार्डधारी विरोध कर रहे हैं। अगर विभाग गलत तरीके से बहाल करता है तो सभी ग्रामीण डीसी के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही पीलिया दुकानदार के खिलाफ कई बार देवगढ़ जिला को पत्र के माध्यम से भी सूचना दे दी गई है। ऐसे में अगर गबन करने वाली पीडीएस संचालक को फिर से कमान सौंपी जाती है तो दोबारा ग्रामीणों के हक का अनाज का गबन किया जाएगा। संवाददाता अजय राणा देवगढ़ की रिपोर्ट। कि इससे पहले जो डीलर था मेरा गणेश दास, वो एक नंबर का मतलब घपलाबाजी आदमी है। हम लोग 4 महीना का राशन लेके गमन किया है, इससे पूरा जनता उससे दुखित है। उसके पास राशन लेने नहीं जाएंगे हम लोग। अगर उसका एमओ या कोई भी पदाधिकारी बगैर जांच किए उसको डीलर वापस देता है या रिलीज करता है तो उस पर विरोध करेंगे, उपायुक्त के पास जाएंगे हम लोग पूरा ग्रामीण। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार पासवान। था उसके पास जब भी चावल लेने जाते थे तो 2-3 महीने का गमन, उसके बाद वो 11 बजे आएगा, 2 घंटे चावल बांटेगा, उसके बाद वो कह देगा आज नहीं देंगे। 4-5 दिन घूमता है, बाल बच्चे सबको घुमाता है, उसके बाद भी वो बीच बीच में गमन करता है। यदि सरकार उसको फिर से डीलर पर नहीं वापस देता है तो इसके विरुद्ध में हम लोग उपायुक्त महोदय के पास धरना प्रदर्शन या लिखित भी बढ़ सकते हैं, यानी उसको डीलर पर नहीं दिया जाए। क्या नाम हुआ? जयदेव मंडल। गणेश दास हमने नहीं देखो अपना चार ले गया, हमने दूसरा अपने लेबे चार। और अगर जो सरकार अगर फिर देता तो नहीं, हमने नहीं लेबे, हम हमने विरोध करबे कर खिलाफ हमने करबे।